अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल्स क्लब। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, माशाल्लाह से हमारी मादी ने, दोस्तों असील मादी ने आज फाइनली अपने चिक्स हैच कर लिए हैं। वो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह से दोस्तों, जिस मादी की, दोस्तों मुर्गी की हमने एग स्केल ने की थी, उसने माशाल्लाह से आज चिक्स हैच कर लिए। वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों जो है ईरानी तीतर के, दोस्तों मैंने इनको यानी निकाला हुआ है, जो मादी है इस पर बैठती है कि, तो दोस्तों मेल को अलग कर देते हैं, तो यानी 1 घंटा 2 घंटा दोस्तों मेल को यानी अपने साथ छोड़ना होता है, क्योंकि ये एक बार मेटिंग कर ले, क्योंकि ये दोबारा फिर एग्स ले करेगी, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में एग्स ले करेगी। अभी मैं इसके पास दोस्तों एग्स रखता हूँ, फिर आपको मुर्गी का भी शो करवाऊंगा जिसने हमारे चिक्स हैच किए हैं। ये देखे दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके अंडे छुपाए हुए। ये दोस्तों माशाल्लाह से 6 अंडे हैं दोस्तों इसके। अभी दोस्तों इनका जो नेस्टिंग बॉक्स है, ये दोस्तों मैंने अलग कर दिया, यानी छुपा दिया है थोड़ा। अभी मेल को कर देंगे बंद। ये देखिए दोस्तों, मादी थोड़ी उड़ रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ईरानी तीतर, ये डरते हैं बहुत ज्यादा है। अभी दोस्तों अंडे रख देंगे 6 के 6, ये खुद ही यानी सेट कर देगी। दोस्तों हमारे पास माशाल्लाह से अब 3 मुर्गियां हो गई है, और तीनों यानी चिक्स वाली हो गई है। 2 हमारे ऊपर वाले सेटअप पर पड़ी हुई है, और एक ने आज दोस्तों एच की है। ये दोस्तों अंडे में थोड़ा सा निशान हो गया, अभी मैं इसको देखता हूँ। तो अभी देखे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मैं आया हूँ, तो ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से एग्स पर बैठ गई है। अब आप देखे दोस्तों, और दोस्तों आपने दुआ जरूर करनी है कि हमारे जो है ये ईरानी तीतर अपने चिक्स हैच करें सही तरीके से, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी दोस्तों हमारी मुर्गी के पास चलते हैं, असील मुर्गी के पास, देखते हैं उसने कितने चिक्स हैच किए। दोस्तों रात से उसने हैचिंग शुरू की थी, अब चलते हैं दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ अपनी मुर्गी असील। दोस्तों मैं केज से अपने बाहर आ गया हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो असील मुर्गी है। ये देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मैंने यहाँ पर बिठाई थी हमारी मादी, ये आप देखें दोस्तों माशाल्लाह से। ये देखें इसके चिक्स अभी दोस्तों रात से ही निकलना शुरू हुए हैं। अभी मैं आपको दोस्तों इनको निकाल के भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, अभी दो चिक्स ये और एक और है दोस्तों इसके पास। ये देखे दोस्तों, मादी को मैंने निकाल दिया, अभी इसके बच्चे को, बच्चों को भी निकालता हूँ। दोस्तों काफी सारे अंडे जो है खराब निकल गए थे, पता नहीं क्या वजह बनी है। ये देखे दोस्तों, अभी मैं इनको भी निकालता हूँ बाहर। ये दोस्तों अपने फादर के गए, ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों। अभी इसके पास दोस्तों 3 चिक्स हैं, यानी इसने अभी 3 ही एच किए, बाकी तो सारे अंडे खराब निकले थे दोस्तों। अभी जो है दोस्तों, मैं आपको अपनी 2 और जो मुर्गियां हैं वो उनका भी शो करवाता हूं मैं, जो दोस्तों हमारे ऊपर वाले सेटअप पर पड़ी हुई हैं। अभी दोस्तों ये इनको शाम को दाना पानी वगैरह इनको फर्स्ट फीड देंगे, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी दोस्तों ऊपर चलते हैं। दोस्तों गर्मी की वजह से इसने बहुत ही ज़्यादा अपने जो अंडे ख़राब कर दिए थे, 14 अंडे मैंने इसके नीचे रखे थे, अभी 3 इसने एच किए, और एक और में बच्चा था मगर इसने पाँव में दबाकर बंद यानी मार दिया उसको भी। अभी दोस्तों चलते हैं बाहर और ऊपर वाले सेटअप पर। दोस्तों चलते हैं ऊपर चल के, दोस्तों जो हमारी 2 और मुर्गियाँ हैं ना, उनका भी मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखे दोस्तों, मैं अपने ऊपर वाले सेटअप पर आ चुका हूँ। ये देखे दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे पिजन्स वगैरह पड़े हुए, और जो है दोस्तों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमारे जो पिजन्स के नीचे हमारी असील मुर्गी, पता नहीं देसी मुर्गी का एक था असील मुर्गी का, क्योंकि दोस्तों अंडे में मिला के रखता हूँ तो पता नहीं था दोस्तों मुर्गी का अंडा मैंने पिजन्स के नीचे इसके नीचे रखा है। वो भी मैंने वीडियो आपके साथ जरूर, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी पिछली वीडियो, दोस्तों आप जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये वाले भी दोस्तों हमारे पिजन से, इनके पास ये वाला चिक्स है, और इसके पास दोस्तों मुर्गी का अंडा पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह देखेंगे कि ये किस तरह पालती है बच्चे को, और या बच्चा निकलता है या नहीं।
अभी जो है दोस्तों मुर्गी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मुर्गी है। ये देखे दोस्तों, एक हमारे पास ये वाली मुर्गी है दोस्तों, इसके पास 7 चिक्स है। और एक दोस्तों नीचे वाली मुर्गी है जिसने अभी 3 एज की है, वो भी आपके साथ भी शेयर किया था दोस्तों अभी मैंने। और एक ये वाली मुर्गी है दोस्तों, इसके भी 5 चिक्स है माशाल्लाह से। ये देखे दोस्तों आप, ये जो दोस्तों नीचे वाली मुर्गी है ना, उसका दोस्तों फादर ये है। ये देखे माशाल्लाह से वो अपने दोस्तों बच्चे जो है अपने फादर पे गए। और ये वाली भी दोस्तों पता नहीं इसने एक वगैरह ले किया है या नहीं, ये भी इंशाल्लाह दोस्तों जल्दी कुड़ा क्योंकि तो उसको भी यानी इसको दोस्तों मुर्गी के अंडों पर नहीं बिठाएंगे, इसको यानी डक वगैरह के या टर्की के एग्स पर बिठाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी जो है मैं अपने चिक्स को खोलता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से ये हमारे काफ़ी चिक्स दोस्तों बड़े हो गए, इनकी दोस्तों मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। और दोस्तों तीतरों का भी मैंने आपको शो करवाया, ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से ये कितने बड़े हो गए दोस्तों चिक्स। और इनको दोस्तों डाइट में क्या देता हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि कौन सी इनको खुराक देता हूँ जिससे इनकी हेल्दी ग्रोथ हो। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से चिक्स कितना बड़ा हो गया है, ये दोस्तों हमारे पास ही यानी इनकी ग्रोथ हुई है। और ये तो दोस्तों अभी छोटे हैं, ये इनके इनसे ज़्यादा छोटे हैं दोस्तों ये वाले दोस्तों अभी चिक्स माशाल्लाह से। ये देखें और ये दोस्तों इनसे काफ़ी बड़े। अब दोस्तों माशाल्लाह से हमारे पास 3 मुर्गियाँ हो गई, तीनों ही यानी चिक्स वाली हो गई दोस्तों। इसके पास 7 चिक्स हैं और इसके पास 5 और 3 और हमारे पास हैच हो गए, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हमारे पास रौनक के लग गई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। ये देखे दोस्तों अंदर ही मस्ती कर रहा है हमारा जो असील मुर्गा, ये देखे दोस्तों आप। दोस्तों अभी जो ये बड़े चिक्स हैं ना, ये इस वाले मेल के हैं और नीचे वाले दोस्तों वो ब्लैक वाला जो हमारा ये वाला मुर्गा है दोस्तों, ये वाले नीचे वाले दोस्तों अभी जो अच्छी हैं वो का ब्लैक मुर्गे के हैं। ये देखे दोस्तों आप। और दोस्तों जो हमने असील मुर्गी के अंडे पर जो है हम पिजन्स को बिठाया है, वो वाली आप जाके ज़रूर वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अंडा, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना बड़ा अंडा है दोस्तों, आप देखना दोस्तों अभी। ये देखे दोस्तों आप, मेल दोस्तों मुझसे काफी लड़ रहा है। ये दोस्तों मुर्गी का अंडा है, मैंने पिजन्स के नीचे रखा हुआ है। जब दोस्तों ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर की है, वो भी आप मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये देखें दोस्तों इसके भी चिक्स, इनकी भी दोस्तों इंशाल्लाह ज़रूर ट्रेनिंग करेंगे। और ये हमारा गिनी फॉल का दोस्तों प्यार है, ये देखे दोस्तों माशाल्लाह। अब ये पता नहीं दोस्तों पूरा पेयर है या दोनों ही मेल है या दोनों फीमेल है, मुझे तो नहीं पता दोस्तों, मैं तो पेयर करके लेकर आया हूँ। ये दोस्तों ये जो ब्लैक एंड वाइट है दोस्तों ऑफ वाइट कलर का, ये तो दोस्तों मेल है और उसका दोस्तों पता नहीं है मुझे वो मेल है या फीमेल है, आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, वरना दोस्तों एक को निकाल दें। मुझे भी दोस्तों दोनों मेल लग रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी तक इन्होंने कोई ब्रीडिंग वगैरह नहीं की, इतने दिन गुजर चुके हैं हमारे पास। ये आप देखें पूरा पेयर, और ये दोस्तों गर्मी की वजह से दोस्तों अंदर चले गए क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, अपने जो परिंदों की दोस्तों केयर वगैरह करें। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से, तभी दोस्तों ये देखे हमारे पास कितने माशाल्लाह से एक्टिव लगे पड़े चिक्स, अभी दोस्तों हाँप रहे क्योंकि गर्मी की वजह से। ये दोस्तों मैं इनका केज दोस्तों खुला छोड़ दूंगा, अभी दोस्तों पानी वगैरह भी इनके पास पड़ा हुआ है, इनकी दोस्तों जब मर्जी होगी ये अंदर चले जाएंगे, जब इनकी मर्जी होगी तो यानी बाहर आएंगे अपना घूमेंगे फिरेंगे। दोस्तों इनको डाइट में दूंगा, रोटी वगैरह दोस्तों सुबह के टाइम देता हूँ मैं इनको यानी पानी में भिगो के, और शाम को दोस्तों इनका दाना होता है, वो भी सारा कुछ दोस्तों मैंने आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है, हेल्दी ग्रोथ किस तरह करें चिक्स की। और ये वाले दोस्तों पिजन्स का भी आप शो कर लें, ये देखें दोस्तों आप। बस दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।